हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। सनी वाइल वर्ल्ड की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस गाइस, आज का वीडियो जो है काफ़ी खतरनाक, काफ़ी हटके है। तो दोस्तों, आ गया हमारे पास मैक प्रो मैक्स का J22 मॉडल। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, और कलर काफ़ी बेहतरीन है। और इस वीडियो में इसका पूरा रिव्यू अनबॉक्सिंग करके आपको दिखलाएंगे, वो भी लाइव। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा गाइस। इसका प्राइस काफ़ी कम है, और प्राइस कम फीचर्स ज़्यादा है ना, फायदे वाला चीज़। तो गाइस, इसको हम फटाफट देख सकते हैं, प्रॉपर सील पैकिंग किया गया है। और इसको हम पैकिंग को आज तोड़ देंगे, और तोड़ने के बाद इसको फोड़ देंगे। गाइस फोड़ेंगे नहीं। तो ये देख सकते हैं, ये इसका, वाह, ये देखो। तो गाइस, इसको आज अनबॉक्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसको, इस मैक्रोमैक्स का ये देख सकते हैं टैग लगा हुआ है, टैग नहीं सील पैक है। इसको तोड़ देंगे आज। इसको हम, भाई बहुत हार्ड है यार, ये देख लीजिए। इसको हमने यहाँ से हटा दिया, और हटाने के बाद भाई साहब फिर से चिपक गया। ये देख सकते हैं, इसमें हमें मिलती है 1000 mAh का बैटरी। गाइस, इसका सेल फुल सेल में है बैटरी, और काफ़ी हेवी और काफ़ी वेट इसका है। ये देख सकते हैं, ये चार्जर लॉलीपॉप टाइप का ये चार्जर दिया हुआ है, एकदम छोटा सा। इसको हम पहले दिखाएंगे आप लोग को। ये देख सकते हैं, ये लॉलीपॉप टाइप का ये चार्जर, यहाँ देख सकते हैं V8 केबल। और इसका केबल जो है गाइस, काफ़ी मजबूत दिख रहा है, और काफ़ी प्रीमियम। दोस्तों, इसका अगर हाई अथी का बात करें, क्या बोलते हैं इसको, हाइट कितना इसका, मीटर का बात करें गाइस, तो इसका मीटर होगा शायद 1 मीटर, 1 मीटर इसमें वायर रहता है। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको चार्जर में लाइट जलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रीन कलर या ब्लू कलर का इसमें लाइट जलेगा जब इसमें पावर आप दीजिएगा। तो इसको हम पावर अभी नहीं देंगे। तो इसको गाइस हटाते पहले रखते हैं, और रखने के बाद हमें मिलती है इसमें मेनू पेपर्स, ये देख सकते हैं मेनू कार्ड वगैरह दिया गया है। तो इसको हम पहले निकालते हैं, और रे भाई साहब ये देखिए, ये देख सकते हैं चार्जिंग का नीचे स्लॉट स्पेस दिया है, ऊपर में टॉर्च लाइट दिया हुआ है, और कुछ इस तरह का ये कलर है, ब्लू टाइप का है गाइस। और इसमें कैमरा नहीं दिया हुआ है, इसमें कैमरा नहीं है, इसमें पीछे स्पीकर दिया हुआ है, स्पीकर का स्पेस है, और डिजिटल साउंड लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले हम गाइस, सबसे पहले इसको स्टिकर को हटाते हैं डिस्प्ले से। डिस्प्ले से पहले हटाते हैं, भाई साहब ये हट गया। ओ भाई साहब, 2.4 LCD इसमें है दोस्तों। ये जो इसका अगर डिस्प्ले का हम बात करें, तो 2.4 LCD है इसमें डिस्प्ले लगाया हुआ है साइज का। और फटाफट इसको हम बैटरी को इसमें इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम का, दो सिम इसमें, सिम कार्ड इसमें डाल सकते हैं, यहाँ पे आप मेमोरी लगा सकते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ बैटरी लगाने का जो जैक होता है वो दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं EMI नंबर सारा जो कि दर्शाया गया है गाइस, ये रहा। तो गाइस, सबसे पहले हम इस बैटरी को इसमें डालते हैं, और डालने के बाद इसका हम देखते हैं कि इसमें भैया क्या क्या है, फंक्शन को चेक करेंगे। भाई साहब लग जा, तो हम अच्छी तरह से इसको बैठा लेंगे, और बैठाने के बाद ये रेड कलर वाला जो की है इसको प्रेस करेंगे जब तक ये ऑन नहीं हो जाए। देख सकते हैं ये मैक्रोमैक्स आ गया है दोस्तों। मैक्रोमैक्स का एक अलग ही, मतलब आज से 5-7 साल पहले मैक्रोमैक्स काफ़ी मार्केट में रन कर रहा था, काफ़ी सबसे ज़्यादा यही कंपनी का फ़ोन मार्केट में सेल होता था 5-7 साल पहले। तो गाइस, अब स्मार्टफोन आ गए हैं, 4G आ गए हैं, 5G आ गए हैं। तो गाइस, धीरे धीरे ये जो फ़ोन है ये विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको याद के लिए
इस समझिए कि हम एक एल्बम बना रहे हैं गाइस, यूट्यूब पे आपको अपलोड करते हैं ताकि आप भी देखिएगा, आने वाली जनरेशन आगे भी देखेगी और हम भी देखेंगे और अपना वो टाइम को याद करेंगे। एक टाइम था जिस टाइम हम इस फ़ोन को अनबॉक्सिंग करके आप लोग को दिखाया करते थे। दोस्तों आने वाले समय में ये फ़ोन बंद हो सकता है, मतलब जब ये दोस्तों ये सेल होगा ही नहीं तो फिर लोग क्यों इसको फिर लॉन्च करेंगे। और स्मार्टफोन ही ज़्यादातर मार्केट में सेल हो रही है। तो दोस्तों इसका रिव्यू और इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं। दोस्तों सबसे अच्छी बात है, अच्छी बात ही जैसे मतलब कि यहाँ पे प्रेस करने वाला है लॉक, ये देखिए आपसे थोड़ा सा हम बात करने लगे उतना ही में फ़ोन ये लॉक हो गया। तो दोस्तों ऊपर और नीचे को जो की है उसको प्रेस करेंगे ये लॉक खुल जाएगी। तो गाइस इसका हम आपको दिखाते हैं इसका फंक्शन। फंक्शन गाइस वही है, सेम सेम सारा चीज़ है इसमें। जो हमने पीछे जो वीडियो बनाया था वो सेटिंग्स है और यहाँ पे फाइल्स वगैरह दिया हुआ है। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ कॉल हिस्ट्री वगैरह, कॉल बुक दिया हुआ है, म्यूजिक सारा चीज़ वही है गाइस, ये देख सकते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने का मेरा एक ही मकसद होता है गाइस कि इस चीज़ को आपको ख़रीदने से पहले एक चीज़ इसको आप देख ले एक बार, आप खुद से जस्टिफाई हो जाएं कि नहीं भैया ये चीज़ सही है कि नहीं है। और फिर क्या फ़ायदा लेने से, क्या फ़ायदा जो खुद बाद में तो आपको पछताना पड़े कि नहीं भाई हम पहले YouTube पर अगर वीडियो देख लिए होते हैं तो हमें गलत चीज़ नहीं खरीदते। दोस्तों इसीलिए हमने हम वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं कि आप लोग देखिए और देखने के बाद ही इस चीज़ को आप परचेस कीजिए। गाइस अगर आप शॉप पे जाते हैं तो हर चीज़ आपको नहीं बताया जाता है इसका कितना वारंटी, आप जाइएगा बस आपको क्या करना है, बस आपको फ़ोन का लुक देखना है और लुक देखने के बाद प्राइस डिस्कस करना है, इसके बाद में पेमेंट करके आपको निकल जाना है ना। आपको इसका बैटरी बैकअप को बताएगा और ना ही इसमें सिम कार्ड कितना क्या लगेगा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। इसीलिए हम वीडियो दोस्तों आप लोग के लिए लाते हैं कि आप लोग देखें इस वीडियो को, आप लोग देखने के बाद अगर आप तब इसको परचेस करें और यही मेरा उद्देश्य है गाइस। तो इस तरह का और भी वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते रहेंगे। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय।